कोटा कलेक्टर द्वारा बनाई गई ई पोर्टल साइट स्टूडेंट की समस्या के समाधान के लिए अच्छी साबित हो रही है। अब तक स्टूडेंट की 700 समस्याएं आ चुकी है, जिसमें से 600 समस्या का समाधान कर दिया गया है। इस साइट पर स्टूडेंट बता सकते हैं अपनी समस्याएं, कोचिंग से संबंधित, हॉस्टल से संबंधित या फिर ऑटो रिक्शा खाने के मैथ से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या हो तो इस कोटा स्टूडेंट ई कंप्लेंट पोर्टल में शिकायत कर सकते हैं। स्टूडेंट की समस्या का समाधान तुरंत किया जाएगा। इस पोर्टल में सभी प्रशासनिक अधिकारियों के नंबर और पुलिस अधिकारियों के नंबर भी दिए गए हैं। वेबसाइट इस तरीके से तैयार की गई है कि बच्चों को कोटा में किसी प्रकार की समस्या ना हो। कोटा चूंकि एक एजुकेशन सिटी के रूप में डेवलप हो चुका है, 35 लाख बच्चे जब यहाँ रह रहे हैं, तो 20,000 पीजी कम से कम काम कर रही है, 5,000 होटल्स काम कर रहे हैं, 15 से 20 बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट कोटा की इकोनॉमी एक तरह से अब कोचिंग पर डिपेंड हो रही है। तो हर आम आदमी को, चाहे मकान मालिक हों, हॉस्टल मालिक हों, ट्रांसपोर्टर्स हों, होटल मालिक हों, कैटरिंग वाले हों, किराना दुकान वाले हों, सभी की दिनचर्या मेरे ख्याल से जो यापन कोचिंग आधार पर चल रहा है, तो सभी लोगों को फर्ज बनता है कि वास्तव में अपना व्यवसाय अच्छे से करें तो कोटा में जो आने वाले स्टूडेंट्स एक अच्छा माहौल रखते हैं। स्टूडेंट्स को कई अलग अलग तरह समस्या होती है, विशेषकर छात्रावास से पीजी से कई बार उनके जो एग्रीमेंट होते हैं उनकी समस्याओं को सही निराकरण समय पर नहीं हो पाता है। कई लोग थोड़ा सा उनको ठगने की कोशिश भी करते हैं, कई उनकी जो एडवांस अमाउंट होती है उसका समय पर रिफंड नहीं करते हैं, तो बच्चे परेशान होते हैं। खाने की क्वालिटी का कई बार इशू आता है, जो तय किया जाता है उस अकॉर्डिंगली क्वालिटी मेंटेन नहीं की जाती खाने की, तो बच्चे परेशान होते हैं, कई बार हेल्थ बिगड़ जाती है। कई बार थोड़ी सी ट्रांसपोर्टर्स की समस्या आती है, ट्रांसपोर्ट में साधारण ऑटो वगैरह ड्राइवर एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, टेम्पर ऊपर सप्लाई करने वाला पानी वाला वो गलत चार्ज करते हैं। सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए बस कोचिंग की समस्याओं को ध्यान रखते हुए हमने एक सिंगल पोर्टल बच्चों ने डेवलप किया, जिसका नाम हमने रखा कोटा स्टूडेंट ई कंप्लेंट पोर्टल। तो वो एक सिंगल साइट पे क्लिक होते होते ही होता है, उसमें हमने सारे डिपार्टमेंट्स की कंप्लेंट्स करने के लिए एक ही प्लस कंप्लेंट के साथ साथ हमने उसका यही सिस्टम रखा है कि नोडल ऑफिसर लगाए हमने पूरे कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, हर जोन के लिए कार्य संसद से इंचार्ज होते हैं, वो मैंने कम से दो बार तो रैंडमली जाके ऑफिसर्स को कोचिंग को चेक करते हैं, जो फैसिलिटीज़ बच्चों को दी जानी चाहिए उनको इंश्योर करते हैं, साथ साथ जो कंप्लेंट बच्चे करते हैं ऑनलाइन पोर्टल में उनका निराकरण भी समय पर कराते हैं। अभी 2-2.5 महीने के दौरान कम से कम 700 से ज़्यादा कंप्लेंट आ चुकी है और उसमें कम से कम भी 600 कंप्लेंट का निराकरण हम लोग कर चुके हैं, तो अच्छा लोगों का रिस्पॉन्स है। और सबसे बड़ी बात कि इसमें हमने थोड़ा सा मल्टीफेरी से बनाने की कोशिश की है, न केवल कंप्लेंट बल्कि तो थोड़ा सा सूचना टप भी हमने बनाए हैं कि एक तो यहाँ बच्चों में कोई डिप्रेशन के कोशिश आते हैं, कोई बीमारी इस टाइप की होती है, तो उसके लिए यहाँ के सरकारी और प्राइवेट जितने हॉस्पिटल्स हैं, अच्छे अच्छे नामे डॉक्टर्स हैं, क्लिनिक है, उन सभी के नंबर इसमें डाले हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमने पुलिस के, प्रशासन के, हमारे जितने डिपार्टमेंट हैं उन सब के डाले हैं। इसके अलावा हमने यहाँ के घूमने फिरने की जगह हैं, टूरिस्ट प्लेस हैं, उन सभी पॉइंट्स को इस वेबसाइट के ऊपर डाला है और एक कोटा शहर की, ज़िले की पूरी जानकारी देने का प्रयास ये किया है ताकि मल्टीफेरियस वेबसाइट बने, बच्चा न केवल अपनी कंप्लेंट डाल सके बल्कि और कोई सूचना भी लेना चाहिए तो वो इसे ले सके और पूरा इसका फायदा उठा सके। मैं समझता हूँ राजस्थान में पहला प्रयास है, अन्य किसी जिले में अब तक ऐसा नहीं हुआ है और बच्चे इसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। इवन बच्चों के पेरेंट्स भी, कोई अंडमान से फ़ोन करता है, कोई बंगाल से फ़ोन करता है, कोई नॉर्थ ईस्ट से फ़ोन करता है और उनकी समस्या का जब निराकरण होता है तो अच्छा सेटिस्फेक्शन फील करता है। तो मैं समझता हूँ बच्चों में जो छोटी मोटी समस्या इस टाइप की होती है उनको दूर करने में काफ़ी